हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए अब हम पहले इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? It is the length of the shortest path between the initial position and the final position of the object. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। यहाँ पे दो लोग हैं, उन्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। तो हम क्या कह सकते हैं? That A is the initial position and B is the final position. अब इन्हें A से B जाना है। तो ए कैसे गया? पहले उसने यहाँ पे 3 मीटर किया, फिर ऐसे यहाँ पे 2 मीटर किया, यहाँ पे 1 मीटर किया और यहाँ पे अगेन इसने 3 मीटर कर लिया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 + 2 + 1 + 3, दैट इज 9 मीटर। मान लेते इसको किया है पर्सन P1 ने। अब दूसरे ने क्या किया? दूसरा सीधा ए से बी चला गया। मतलब कैसे? सिंपली सीधा ए से चला गया और कितना डिस्टेंस पार किया? लेट्स से 3 मीटर। तो ये देख सकते हैं, ये मान लेते हैं चलो ये पर्सन P2 ने किया है। तो पर्सन P1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे? 9 मीटर का। और पर्सन P2 ने कितना किया? 3 मीटर। तो हम कहेंगे कि पर्सन P1 ने जो पाथ किया टू रीच फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन P1 एंड दैट इज 9 मीटर। ये जो पर्सन P2 है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सिमिलरली 3 मीटर। पर ये जो 3 मीटर का इसने पाथ फॉलो किया है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। तो हम कहेंगे दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर जब यही पर्सन P2 ने क्या किया? पहले ए से बी गया, फिर बी से दोबारा ए गया। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर आना, 3 मीटर जाना। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 6 मीटर। डिस्टेंस बना आपका 6 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा? इसने ए से शुरू किया, इनिशियल पोजीशन से शुरू किया, बी पे गया और दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया। तो इधर क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन ही इसकी फाइनल पोजीशन है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ वो कितना हुआ? सेम ही तो है, तो इट वुड बी 0। सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी है 0। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन की बात आई गई है तो इसके छोटे से साइन कन्वेंशन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, राइट? अब मैंने इसे ऐसे कर दिया, सो आई नो दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स डैश एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द वाई डैश एक्सिस, हमको ये पता है। अब जब हम हमारे रेफरेंस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कौन कैसे कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन जब हम हमारे रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम डिस्प्लेसमेंट को देन लेंगे एज नेगेटिव। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहें तो आपको चेक करना है कि रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो मतलब फ्रेंड्स, इससे हमें ये भी पता चलता है कि डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव तो होता है पर वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट जो है वो सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ लेंथ बताते हैं। इनकी एसआई यूनिट होती क्या क्या है? इनकी एसआई यूनिट होती है मीटर। हम मीटर की जगह किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं और मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है ऑन द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। पर जो डिस्प्लेसमेंट है, it does not depend on the path taken by the object, but it depends on the initial position and the final position of the object. तो अगर हम इसी example में देख लेते हैं, इधर इसने कितना
9 मीटर किया था। अगर मैं इसका पाथ थोड़ा बदल दूं कि पहले यहां से 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 मीटर का किया, फिर 0.5 मीटर का किया और उसके बाद 3 मीटर का किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 + 1 + 0.5 + 3 दैट्स 6.5 मीटर। तो देखिए इधर पाथ बदल गया तो डिस्टेंस ट्रैवल आल्सो चेंजेस, मतलब डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का आपने शायद ही फार्मूला सुना होगा दैट इट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये बात आपको अगेन ध्यान रखनी है। एग्जाम में 1 मार्क का ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप फिर ये 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिए। डेफिनेशन क्या हुई, मैं आपको साथ साथ एक बार पॉइंट्स लिख ही देती हूँ आपके पास। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमें देखना है, राइट? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमने देखा डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ किसका? ऑफ पाथ। ये पाथ किसने लिया है? This is the path taken by moving object. और moving object ने जो path लिया है, कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए लिया है? To reach from initial position to final position. जो displacement होता है, वो क्या होता है? It is the length of shortest path. और shortest path कहाँ से कहाँ तक जाता है? From initial position to final position. अब distance जो है ध्यान रखिएगा, हमने बताया, मैंने आपको बताया था scalar quantity होती है, मतलब magnitude तो होता है पर direction नहीं होता है। और ये जो displacement है ये आपकी vector quantity होती है, मतलब इसका magnitude तो होता ही है पर direction भी होता है। मैंने आपको sign conventions भी बता दिए थे, अगर आप रेफरेंस पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे या राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है कि डिस्टेंस जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हाँ, जीरो एक और केस में हो सकता है कि जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गया और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस पॉइंट ए पे ही आ गया, तो इधर डिस्टेंस तो कितना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, कि घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऐसे केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है। और अगर ऑब्जेक्ट पहले राइट गया फिर दोबारा जितना राइट गया उतना ही लेफ्ट गया, तो मतलब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे है, पहले 3 मीटर राइट गया और फिर 3 मीटर लेफ्ट गया, तो वापस पॉइंट ए पे ही आ गया। ऐसे केसेस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास एक बॉल थी, आपने बॉल को थ्रो किया, मान लेते हैं वो 12 सेंटीमीटर ऊपर गई, फिर वो नीचे आपके हाथ में एट द सेम पोजीशन आ गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ कवर्ड बाय द बॉल और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्टेंस कितना हुआ, 12 ऊपर जाने का, 12 नीचे जाने का, दैट इज 24 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान दें कि मैंने कहा एट द सेम स्पॉट मैंने कैच किया है, मतलब बॉल जहां से गई थी इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गई, तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पर ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने ये बताया कि वो एट द सेम स्पॉट आप कैच कर रहे हैं, तभी बॉल वापस उछल के इनिशियल पोजीशन पे आ गई, ये आप तभी मान सकते हैं। तो नेक्स्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और लास्ट थिंग की एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा सेम होती है, क्यों? क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ लेंथ बताते हैं, और वो ऐसा यूनिट भी क्या होती है, दैट इज सा यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। तो भाई अब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपकी इनके बारे में क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस ही देखेंगे,
तो मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि मैं पहले 6 मीटर राइट डायरेक्शन में गई, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ध्यान रखिएगा, और उसके बाद मैं 8 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में गई, और अब मुझसे पूछा कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है जो मैंने कवर किया। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 6 मीटर प्लस 8 मीटर, दैट वुड बी 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 मीटर, ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब अगर मैं इसे कह दूं पॉइंट ए, इसे कह दूं पॉइंट बी और इसे कह दूं पॉइंट सी, तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मैं सीधा ए से सी चली गई, बी में गई नहीं। तो इधर आप ध्यान से देखिए, इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट वुड बी एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट्स अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 हमें पता है 100 होता है, अंडर रूट 100 10 होता है, तो 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 हुआ। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो डिस्टेंस से कम है, डिस्प्लेसमेंट 10 है और डिस्टेंस 14 है कम, तो ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा यहाँ तो डिस्टेंस से कम होता है या डिस्टेंस के बराबर होता है। कम कब होता है डिस्टेंस से, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन बदलता है या कर्व पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन बदल रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। बराबर कब होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, या कह सकते हैं जब आपके ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स अब आइए हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताई थी यूज करनी पड़ेगी। मान लेते हैं पहले मैं गई 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये रेफरेंस पॉइंट है, सो आई गो 5 मीटर्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन और ईस्ट, देन आई गो 3 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन आई गो 9 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट और इन, और आई कैन से आई गो 9 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब हमसे पूछा है कि मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। डिस्टेंस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 9, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, तो डिस्टेंस इज 17 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, साइन कन्वेंशंस ध्यान रखिए, राइट में जा रहे हैं, प्लस 5 मीटर, प्लस 5 मीटर, फिर अपवर्ड जा रहे हैं प्लस 3 मीटर, अब वेस्ट में जा रहे हैं या लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस 9 मीटर। तो ध्यान पे देखिए इधर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव 1 मीटर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकता है पर डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आ सकता। और अगर इधर 9 की जगह मान लेते 8 होता तो आपका डिस्प्लेसमेंट फिर 0 आ जाता, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है पर डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो जो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, चलो कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, अब एक ऑब्जेक्ट का मोशन बदल गया, यहां से पॉइंट बी पर आ गया, तो पॉइंट ए हुई इसका इनिशियल पोजीशन और पॉइंट बी हुआ उसका फाइनल पोजीशन। तो ये जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए ऑब्जेक्ट ने कुछ तो पाथ लिया ही होगा, और वो जो पाथ लिया होगा उसका कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा ही, और वो जो लेंथ उसने लिया, वो जो लेंथ है पाथ का, उसी को जब डिस्टेंस बोलते हैं। तो मतलब डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, एंड दैट टू कब, जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजिशन पे ही वापस आ जाता है, या हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन ही उसकी फाइनल पोजिशन होती है। अब आइए हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सर्कल का यूज होगा, तो आपको सर्कल का भी इसमें बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ये एक सर्कल है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसे हमने पॉइंट ए माना है, इसे हमने पॉइंट बी माना है, ऑब्जेक्ट का रेडियस है लेट्स से 7 मीटर, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो ये हुई इसकी इनिशियल पोजीशन, और ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया तो ये क्या हुई, ये हुई इसकी फाइनल पोजीशन। तो अब हमसे पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट ने जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया इसने
प्लेसमेंट कवर किया। जब डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर कर रहे तो या तो ऐसे गया होगा या फिर ऐसे गया होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इधर आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस पहले आप निकालेंगे और फिर आप उसका हाफ कर देंगे। तो सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस हमको पता है होता है 2πr। सर्कमफेरेंस का आधा कितना हुआ, πr। πr πr में हम डाल देते हैं 22/7 इनटू रेडियस इज 7, तो πr की वैल्यू आ गई 22। मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बारी है तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम घूम के नहीं गया, सीधा यहां से चला गया। तो इधर आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर कितना हुआ, रेडियस है 7 मीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज वी नो 2 टाइम्स रेडियस, दैट्स 2 टाइम्स 7 एंड दैट्स 14। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 14 मीटर। सो नाउ आई होप कि आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय।